आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेता दो दिन का जम्मू में संयुक्त बैठकों का दौर चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति और 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साल भर चलने वाले शताब्दी समारोह की तैयारी के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में भी बात करेंगे। पार्टी के संगठनात्मक महासचिव बीएल संतोष और महासचिव तरुण चुग, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता सहित अन्य नेता बैठक में भाग लेंगे। आरएसएस की कल की बैठक में राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव अरुण कुमार भाग लेंगे। कल संघ की बैठक में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ भाजपा नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेता दो दिन जम्मू में संयुक्त बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति और 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साल भर चलने वाले शताब्दी समारोह की तैयारी के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें पार्टी के संगठनात्मक महासचिव बीएल संतोष और महासचिव तरुण चुग, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी हैं, वो आरएसएस के अधिकारियों के साथ इस बैठक का हिस्सा होंगे। और समीर का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, दो दिनों तक ये बैठक चलने वाली है आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की, और जिस तरह से जानकारियां निकल कर आ रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह की एजेंडा इस बैठक का है, माना यह जा रहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है, और किस तरह से 2024 के चुनावों में जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन को और मजबूत किया जाए, उसी के इर्द गिर्द इस बैठक में चर्चाएं होनी है। समीर जैस्मिन, बिल्कुल आपने सही कहा, और सही चीज़ यही है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, भाजपा की, तो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हैं पूरे नेशनल वाइज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी 370 हटने के बाद एक बड़े इम्तिहान को फेस करने जा रही है। देखिए, 2019 के बाद जो जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद हालांकि कुछ लोकल इलेक्शंस हुए हैं, डीडीसी पोल्स हुए, लेकिन जो बड़ा इम्तिहान है वो लोकसभा इलेक्शंस है। और ये एक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि जिस एक टेस्ट, जिसको हम कहेंगे एक टेस्ट होगा पार्टी की पॉपुलरिटी का। उसी को देखते हुए आरएसएस जो है लगातार मीटिंगें कर रही है। हमने पहले भी, आपको याद होगा, जब यहाँ पे मोहन भागवत आए थे तो यहाँ आरएसएस के तकरीबन तीन दिन मीटिंग उन्होंने ली थी, भाजपा के डिफरेंट लीडरों से, वर्करों से बात की थी, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी कड़ी में अभी आज ये केशव भवन है यहाँ पे, जम्मू का पार्टी हेडक्वार्टर है आरएसएस का, और यहाँ पे इस वक्त इंडोर मीटिंग चल रही है, क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। आरएसएस के जो प्रमुख लीडरान हैं, वर्कर लीडरान हैं, वो ले रहे हैं। बीजेपी के जो भाजपा के सेंट्रल लीडरशिप में कई लीडरान यहाँ पे आए हैं, और इसी तरह से जो भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई है, यहाँ से भी कई दिग्गज नेता, जिसमें प्रेसिडेंट हैं वो रविंदर रैना, इसमें अशोक कोल है, इस तरह से जुगल किशोर शर्मा है, सुनील शर्मा है, इसी तरह से कई और नेता वो यहाँ पे हैं, और इसी तरह से तरुण चुग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और आरएसएस की तरफ से भी कई नेता सेंटर से भी और यहाँ जम्मू कश्मीर इकाई से भी लगातार यहाँ पे मीटिंग का यहाँ पे पहुंचे हैं, और मीटिंग चल रही है। पिछले एक घंटे से मीटिंग चल रही है। मीटिंग का एजेंडा, जिस तरह से मैंने कहा, ये जो इंडोर केशव भवन है, इसके अंदर ही ये जो मीटिंग है वो चल रही है, और एजेंडा साफ है 2024 में किस तरह से पार्टी का जो टारगेट है, और टारगेट क्या है, पार्टी चाहती है कि जितनी भी सीटें हमने पिछली बार ली हैं, उससे हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें। पिछली बार पार्टी ने, जो बीजेपी ने, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटें ली थी, लेकिन इस बार का जो टारगेट है, जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त इस 2024 में न सिर्फ ये तीन सीटें रिटेन करना चाहेंगी, बल्कि वो एक सीट वैली से भी जीतना चाहती है। और अगर वैली से, वो इसलिए उसकी ज़्यादा कोशिश है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो एक प्रोपेगेंडा और एक पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको वो ध्वस्त करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि जो धारा 370 हटना है वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए ही था, आम लोगों
ने उसको एक्सेप्ट किया है और इसलिए पार्टी की पूरी कोशिश और पूरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि दारा जो कश्मीर का एक सीट है जो अनंतनाग राजौरी खासकर जिस पर सब पार्टी की नज़रें हैं उसको किसी तरह से उस पे उसको जीत लिए, उसके लिए पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है और पार्टी कोशिश कर रही है, आरएसएस अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी को जितनी रिक्वायरमेंट है आरएसएस की डिफरेंट शाखाओं से, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो इनकी महिला ऑर्गेनाइजेशन है या किसान ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की तरफ से ये जो पार्टी को चाहिए, जो बीजेपी को चाहिए, वो आरएसएस कोशिश कर रही है, वो देखना चाहती है कि किस तरह से हम इनको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम पार्टी जो है मजबूत बन सकती है, किस तरह से ज़्यादा वोटर वोट डालने आएगा। देखिए बूथ लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट है बूथ का मजबूत होना, और बूथ मजबूत होगा तभी पार्टी को लगता है कि हम जीत सकते हैं। इसलिए बूथ लेवल पर आरएसएस के वर्कर किस तरह से बीजेपी की मदद कर सकते हैं, बीजेपी के जो जो वोटर है, कोर वोटर है, कोर वोटर के साथ साथ जो एक वोटर वो कंफ्यूजिंग वोटर होता है उसको भी मुख्यधारा में लाके बीजेपी के हक में उसको लाए, तो ये प्रायोरिटी बीजेपी की तरफ से रहे, आरएसएस की तरफ से रहेगी। और मंथन का दौर सिर्फ आज भी नहीं चलेगा, कल भी चलेगा, कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे, कई और नेता भी इसमें शामिल होंगे। और जैस्मिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कोशिश पार्टी की तरफ से यही है कि किसी तरह से पार्टी मजबूत बने, पार्टी में जो एक कोशिश एक जो अपना एजेंडा बिल्कुल बिल्कुल समीर कोशिश ये रहेगी कि किस तरह 2024 में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत किया जाए। और साथ ही समीर जिस तरह से आप जानकारियां दे रहे हैं कि आरएसएस की जो अन्य शाखाएं हैं वहां से बीजेपी को क्या क्या मदद चाहिए ये भी इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, और क्योंकि चुनाव की जब बात होती है तो स्थानीय मुद्दों से बचा नहीं जा सकता, स्थानीय मुद्दों को भी किस तरह से सम्मिलित करते हुए एड्रेस करते हुए, क्योंकि जम्मू में अगर हम देखें तो चाहे वो सरोवर टोल प्लाजा का मुद्दा हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, उस पर लगातार जो जनता है वो मुखर है, बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके प्रति रोष है, तो उन मुद्दों को संभालते हुए किस तरह से जनता के बीच जाना है, अपनी पैठ बनानी है, इस पर बीजेपी की मदद करने के लिए आरएसएस आगे आई है और उसी को लेकर यह मंथन चल रहा है। समीर आप नजर बना करके बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।